हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। स्कॉच गैम्बिट के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। स्कॉच गैम्बिट के जितने भी ट्रैप्स हैं सारी ट्रैप्स मैं आपके सामने पेश करूँगा। मेरे पुराने वीडियो, इससे पहले वाले लगातार वीडियो आप देख लीजिए, बहुत सारी ट्रैप्स मैंने इसमें डाल रखी है। कंटिन्यूज अभी हम लोग ओपनिंग चेस की ओपनिंग ट्रैप्स पे डिस्कस कर रहे थे। तो अभी जो विषय चल रहा है, सब्जेक्ट है स्कॉच गैम्बिट। स्कॉच गैम्बिट, इससे पहले वीडियो में मैंने तीन चार या पांच ट्रैप्स दिखाई थी, आज उससे आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ट्रैप्स है स्कॉच गैम्बिट में। ये सारी ट्रैप्स अगर आप देख लेते हो तो स्कॉच गैम्बिट खेलने वाले या स्कॉच गैम्बिट के अगेंस्ट खेलने वाले कभी भी ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉच गैम्बिट कैसे होता है? e4, e5, नाइट f3, नाइट c6, ये बेस्ट ओपनिंग है। e4, e5 और किंग पॉन ओपनिंग भी कहा जाता है। यहाँ से अलग अलग ओपनिंग के वेरिएशन शुरू होते हैं, जैसे कि बिशप b5 अगर आप खेलते हो तो रुई लोपेज ओपनिंग होती है, बिशप c4 अगर आप खेलते हो तो बिशप ओपनिंग होती है इटालियन। यहाँ पे d4 खेलने से स्कॉच गैम्बिट होती है, ये ध्यान रखिए। कई लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि स्कॉच गैम्बिट है क्या, तो बस इतने मूव होने पर आप समझ लीजिए कि ये ओपनिंग का नाम हो गया स्कॉच गैम्बिट। चलिए, यहां पे बेस्ट चॉइस होता है पॉन टेक्स पॉन, नाइट टेक्स d4। अब ये नई ट्रैप है। ब्लैक यहां पे अगर डिफेंसिव खेलना चाहते हैं तो बिशप e7, यहां पे व्हाइट खेलेगा बिशप c4, अटैक ऑन f7, यहां ब्लैक खेलेगा नाइट f6, व्हाइट करेगा शॉर्ट कैसल, ये नेचुरल ओपनिंग कंप्लीट है। नाइट इंटू d4, यहां पे क्वीन टेक्स d4, ब्लैक खेलेगा d6 क्योंकि e5 नेक्स्ट थ्रेट है, यहां व्हाइट खेलेगा f4, ब्लैक खेलेगा b6, यहां e5, यहां ब्लैक काउंटर अटैक कर सकता है d5, बिशप b5 चेक, नाइट d7, ये फोर्स मूव है क्योंकि चेक में बिशप या पॉन इंटरपोज किया तो पॉन टेक्स नाइट हो सकता है। चलिए, यहां पे अगर ब्लैक ने बिशप d7 किया तो क्या करना है? ये बैड मूव है क्योंकि e x f6, बिशप टेक्स b5, बिशप c5, ब्लैक यहां पे क्वीन को ट्रैप कर रहा है, पिन कर रहा है, लेकिन रुक e1 चेक के बाद किंग f8 ये फोर्स है और f x g7 चेक, किंग g8 और पॉन टेक्स रुक चेकमेट। तो यहां पे ब्लैक को लग रहा था कि उसे क्वीन ने ट्रैप कर दी उसे, लेकिन ये गलत मूव है। फिर से देख लीजिए, अगर आपके सामने, अगर आप व्हाइट स्कॉच प्लेयर हो तो आप ऐसा रिस्क ले सकते हो। सारे मूव नेचुरल है। लगातार जो नाइट d5 के बाद f4, इसलिए कि हम यहाँ पे e5 करना चाहते हैं, b6, यहाँ पे काउंटर अटैक bb और बिशप d7, एक्चुअली में नाइट d7 अच्छा था, लेकिन बिशप d7, बिशप पॉन टेक्स नाइट, अगर ये बिशप टेक्स बिशप करता है तो सिंपल पॉन टेक बिशप आप आराम से पीस प्लस हो सकते हो और पॉन टेक्स पॉन भी कर सकते हो, लेकिन बिशप c5, बिशप c5 पिनिंग, ये बहुत ही ब्लंडर मूव। चेक के बाद किंग के पास कोई जगह नहीं है और यहाँ पे फोर्स मेक आ गया। तो ये थी स्कॉच गैम्बिट में पहली ट्रैप आज की। दूसरा देखते हैं, ओके, दूसरे e4, ब्लैक प्लेस e5, नाइट f3, nc6,
d4, e takes d4, knight takes d4, queen h4. अब ये एक नई मूव आई ब्लैक के लिए, और e4 पॉन पे अटैक. अगर नाइट टेक्स नाइट किया तो क्वीन टेक्स e4, देन क्वीन टेक्स नाइट, और पॉन प्लस हो जाता है ब्लैक. नाइट c3 व्हाइट ट्राई करेगा इसे डिफेंड करने का. यहां पे ब्लैक को खेलना है नाइट f6, पॉन पे दूसरा अटैक, नाइट f5. अब क्वीन पे अटैक है तो क्वीन h5 एक्सचेंज के लिए आएगा. यहाँ पे बिशप e2. अब ये मूव में क्वीन के पास कोई स्पेस नहीं है. क्वीन g6 अगर किया तो नाइट h4 और क्वीन लॉस हो रहा है, क्योंकि क्वीन के पास अब कोई स्पेस नहीं है. तो ये जब आप बिशप e2 करते हो तो बेस्ट चॉइस है नाइट g4, और यहाँ पे आपको सिंपल बिशप टेक्स नाइट और पीस मिल रहा है. तो ये स्क्वॉच गैम्बिट में क्वीन h4 वाली लाइन बहुत सारे लोग खेलते हैं. अगर आप स्क्वॉच खेल रहे हो, स्क्वॉच प्लेयर हो, तो सिंपल आप उसे ऐसे ट्रैप में ले सकते हो. क्वीन h4 में आपको करना क्या है, पहले नाइट से सपोर्ट करना है. नाइट f6 में आपको खेलना है नाइट f5, क्वीन एक्सचेंज जाता है तो बिशप e2. यहाँ पे सिंपल क्वीन ट्रैप हो रही है, या फिर पीस देना पड़ेगा ब्लैक. क्वीन g6 में नाइट h4 और क्वीन ट्रैप. तो ये थी दूसरी ट्रैप. दोस्तों मैं खुद क्वीन h4 लाइन खेलता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा रिस्की खेलता हूँ और ऐसे ट्रैप में मैं फंसता नहीं, क्योंकि मुझे सब पता है ट्रैप्स. ज़्यादातर क्वीन h4 मेरे हिसाब से स्क्वॉच अगेंस्ट बहुत ही बेस्ट आइडिया है. उसकी लाइन, उसके बारे में पूरी ओपनिंग में आपको सिखा दूंगा कुछ वीडियोस के बाद, जब ट्रैप खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम क्वीन h4 वाली अगेंस्ट स्क्वॉच गैम्बिट देख लेंगे. चलिए नेक्स्ट ट्रैप देखते हैं. यहाँ पे e4, e5, नाइट f3, नाइट c6, d4, e टेक्स d4, नाइट टेक्स d4, क्वीन h4, वही क्वीन h4 वाली आइडिया. यहाँ पे एक और मूव है, ये पॉन सेक्रीफाइस नाइट b5. अब नाइट c7 फॉर्क के थ्रेट है. ब्लैक यहाँ पे ट्राई करता है बिशप c5, पहले चेकमेट का थ्रेट. यहाँ पे आप क्वीन f3 से बचा सकते हो. ब्लैक खेलेगा नाइट f6, नाइट टेक्स c7, किंग d8 और नाइट क्रॉस a8. लेकिन अब यहाँ इस गेम में ब्लैक को जीतने के चांसेस ज़्यादा है. सबसे पहले रुक e8, सेंटर पे अटैक. अभी आपने कैसल नहीं किया दोस्तों, तो नाइट b5 और नाइट c7 जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत जल्दी है. तो re8 के बाद मान लो कि आपने ये पॉन पे 3 अटैक हो गए, तो बचाने के लिए बिशप d3 करोगे तो नाइट क्रॉस e4 सेक्रीफाइस आएगा. अगर आपने यहाँ पे डिस्कवर से बचने के लिए कैसल कर लिया तो यहाँ नाइट क्रॉस f2. अब देखो रूक टेक्स f2 अगर किया तो रूक चेक मेट है, और क्वीन टेक्स f2 में सिंपल बिशप से क्वीन लॉस हो रहा है. रूक इनटू f2 तो रूक e1 मेट. जैसे कि मान लो कि बिशप इंटरपोज हो रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है. रूक e1 चेक में बिशप f1 हो रहा है, उसके बाद नाइट d4 से कंप्लीटली विनिंग है. नाइट d4 में क्वीन आप कहाँ ले जाओगे, क्वीन को यहाँ से डिकॉय करना है. क्वीन कैन मूव एनीवेयर देन नाइट चेकमेट. मान लो कि हम क्वीन इंटू f7 करते हैं यहाँ पे, तब भी आपको नाइट e2 चेक देना है. रुक पिन है, बिशप भी पिन है, कंपलसरी यहाँ आना पड़ेगा, और उसके बाद
रुक क्रॉस एफ वन आफ्टर रुक टेक्स एफ वन और नाइट जी थ्री चेकमेट। तो ये कुछ मूव्स में मेट हो रही है, कंपलसरी मेट है। और भी ट्रैप्स है दोस्तों, देखते हैं। पहले से मैंने वीडियो बना के नहीं रखा है, मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ बना बना के, इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत होगी। e4 e5 नाइट f3 नाइट c6। दोस्तों मेरे पास ये जो बुक है, इस बुक का नाम है चेस ओपनिंग ट्रैप्स, मतलब इसमें टोटल 700 ट्रैप्स है। और ट्रैप्स पढ़ के बोर्ड के ऊपर तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है। वैसे आप लोग भी सोचते होंगे क्यों ना हम भी ये बुक ले ले, वीडियो देखने से अच्छा है बुक से खुद ही प्रिपेयर कर ले, खुद ही सीख जाए। ऐसा मैंने भी बहुत बार ट्राई किया था, लेकिन जब मैं किसी का वीडियो देखता हूँ तो मुझे मूव्स डायरेक्टली दिमाग के अंदर चला जाते हैं, मतलब मैं कभी भी मूव्स भूलता नहीं। पर मैं पढ़ पढ़ के बोर्ड के ऊपर अगर प्रैक्टिस करके कितनी भी बार तैयार करूं, रट्टा मार लूं, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता। ऐसा सभी लोगों के साथ होता है। किसी का एक्सप्लेन करने से जब हम देखते हैं तो हमें पूरी ओपनिंग याद रह जाती है, यही फायदा होता है वीडियो देखने का। तो मैं बहुत सारे ओपनिंग्स तैयार कैसे करता हूँ ये भी बताता हूँ आपको, कि मैं गेम खेलता हूँ लीचेस में, ओपनिंग मूव्स की पूरी बुक मेरे पास होती है। जब मैं मूव्स भूल जाता हूँ तो उसमें से देख के ट्राई करता हूँ। आज मैं आपको लाइव गेम खेल के भी बताऊंगा। देखिए नाइट c6 देखते हैं पहले ये ट्रैप, d4 e takes d4 नाइट टेक्स d4। अब यहाँ पे ब्लैक बिशप c5 कर सकता है, तो bc5 के रिप्लाई में व्हाइट को खेलना है c3, ब्लैक खेलेगा नाइट f6 बिशप g5 पिनिंग द नाइट, ब्लैक कैसल बिशप c4। सिंपल डेवलपमेंट वाले मूव है, कोई नया मूव नहीं है। क्वीन e7 सेंटर पोन पे अटैक है और यहां पे वाइट करेगा शॉर्ट कैसल, क्वीन टेक्स e4, यहां पे बिशप क्रॉस f6, जी क्रॉस f6, बिशप d3, क्वीन h4 ओनली ऑप्शन है, फिर नाइट f5, क्वीन g5, h4, क्वीन f4, क्वीन g6 पॉसिबल नहीं है। नाइट क्वीन g6 अगर जाता है तो नाइट e7 चेक और डिस्कवर में चेक बिशप टेक्स क्वीन हो रहे हैं। तो क्वीन f4 और यहाँ पे फाइनल मूव है g3। अब देखो क्वीन e5, मान लो कि क्वीन e5 खेला तो सिंपल चेकमेट,